अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपने ईबे अकाउंट्स के लिए प्रोडक्ट्स को कैसे हंट कर सकते हैं या सोर्स कर सकते हैं या क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ से आए ईबे, ठीक है, ईबे.com ओपन किया। ये क्या हमारे पास ईबे ओपन हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। जैसे हमारे अमेजोन, वॉलमार्ट या हमारे दराज पे क्या है, दो अकाउंट्स होते हैं। एक क्या होता है परचेजिंग अकाउंट और एक होता है सेलर अकाउंट। अगर amazon.com है तो वहाँ क्या जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर अमेजोन सेलर सेंट्रल है तो क्या उस पर हम लोग क्या प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्या दो इसमें क्या अकाउंट्स होते हैं? ईबे पे ऐसा नहीं होता। ईबे पे एक ही होता है। अगर उसमें हम लोग आके अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर दें इसमें आके, यहाँ जो जो डिटेल्स मांगता है, तो वो हमारा क्या सैलरी अकाउंट बन जाएगा। या हमारा क्या, हम लोग जस्ट इसको ओपन किया, उसके बाद इसको अपने ईमेल पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट पर सेलेक्ट करके वहाँ अपना पेमेंट मेथड लगा के हम लोगों ने परचेज करके चले गया, वो हमारा क्या बन जाता है, परचेजिंग अकाउंट। उसके बाद अब आप लोगों को मैंने वो बताना है जो एक फास्ट वे है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों का माइंड होता है कि भाई आप लोगों के माइंड में होता है कि आप कौन से मॉडल पे वर्क करना चाह रहे हैं, कि आप इसमें होलसेल करना चाह रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में वर्क करना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है ड्रॉप शिपिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमारे कोई मखसूस प्रोडक्ट्स नहीं होती, कोई मखसूस ब्रांड नहीं होता है, कोई मखसूस कैटेगरी नहीं होती। हमारा यही होता है कि हमें एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मिल जाए और क्या उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए बस। तो हम अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग प्रोडक्ट को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हो, वो भी एक फास्ट वे से और इजीली। ठीक है, देखें ईबे की जो फाइंडिंग है वो बहुत ही हल्का है, मतलब बहुत ही आसान है दूसरों के निस्बत। क्या करें, आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को आके यहाँ से ओपन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाली मैंने प्रोडक्ट क्या आती हुई है, ओपन हुई है जस्ट। क्या यहाँ एक प्रोडक्ट से मैं आप लोगों का पूरी ही क्या फाइंडिंग सिखाऊंगा, आप लोग कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जस्ट क्या इसको टाइटल कॉपी के, टाइटल कॉपी करने के बाद आपने इसको क्या सर्च बार में सर्च किया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको अनपिन किया मैंने। अनपिन करने के बाद देखिए जैसे मैंने सर्च किया मेरे पास ये पूरा पेज आ गया। क्या कुछ जो सी प्रोडक्ट का मैंने ओपन की हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्ट थी, तो इस प्रोडक्ट को कौन कौन से बंदे मेरे इस ईबे मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं, ये इस पेज पे सारे शो गए। ये देखें डिफरेंट है, हेयर बाय, ये देख यूके, ये एमके, ये सारे क्या डिफरेंट जो हमारे कंपेटिटर मुझे शो हो गए हैं कि इस मार्केट में और इस प्रोडक्ट को कौन कौन से मेरे क्या कंपेटिटर सेल कर रहे हैं। तो इसमें आके हम लोग सबसे पहले क्या करना, फिल्टर करने होते हैं कि इसमें से हमने वही सप्लायर छोड़ने हैं, वही हमारे कंपेटिटर छोड़ने होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे हम लोग अपनी सर्विस देना चाह रहे होते हैं कस्टमर्स को, उसी के मुताबिक कौन कौन से जो सेलर हैं यहाँ कंपेटिटर हैं वो हैं। यहाँ पे आएंगे सबसे पहले क्या कनेक्शन की न्यू, कि इस पेज पे वही सेलर बचे जो न्यू कनेक्शन में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ओके, अब यहाँ वही बचे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय एट नाउ, बाय एट नाउ के सार रही। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि कौन से कंट्री का, ठीक है, यहाँ पे सेलर बचे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यूएसए के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो क्या हमारे पास आपका जो जो से सैलर यूएसए में क्या प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं तो वही शो हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या फ्री शिपिंग का हम लोगों ने फिल्टर लगाना है कि हमारे पास वही सैलर आप बचे, ठीक हो गया, जो क्या फ्री शिपिंग दे रहा है। ये तो आप देखें हमारे पास ये वाले वो सेलर बच गए हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट मुताबिक, जो हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को मतलब सर्विस देनी है उसी के मुताबिक कि ये वाले भी क्या सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आगे हम लोगों ने क्या करना होता है कि सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है। अब हमारे पास हमने बोला है कि वही सेलर बचे हैं, हमारे कंपेटिटर वही बचे हैं क्या जिन्होंने रिसेंटली प्रोडक्ट्स को बेचा है, जिनके प्रोडक्टें बिकी हुई हैं, सारे नहीं, जिनके प्रोडक्ट जस्ट बिके। अब देखें हमारे पास वही सेलर शो हो रहे हैं। देखें ये कहता है जनवरी 31 को बिकी है इसकी, या ये 27 मार्च को इसकी बिकी है, 25 मार्च को इसकी बिकी है इसके, 31 को, ये सारे हमारे पास वही हम सेलर शो हो रहे हैं जिनकी रिसेंटली प्रोडक्ट्स सेल हुई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके इन सारे सेलर्स को ओपन कर लेते हैं।
ओके ओके ओके, ये क्या डिफरेंट सेलर्स हमारे पास आ गए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन सेलर्स को उठाते हैं। ओके, यहां पे क्या करते हैं, अपने एक शीट बनाते हैं। यहां क्या इसका नेम क्या रख देते हैं, सेलर शीट, ईबे ईबे सेलर शीट। जैसे क्या, तो मैं क्या इसको एक एक करके रखता। इस तरह हम लोगों ने काफी सारे अपने जो हमारे कंपेटिटर हैं वो सब के क्या लिंक रख देंगे। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोगों ने अब प्रोडक्ट को इनसे कैसे फाइंड करना। मैं मुझे ये सारा कुछ करने का मतलब आप लोगों को सिखाने का मतलब ये था कि आप लोग अब इजीली ढूंढ सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है इन सेलर्स के थ्रू। हमने क्या किया, पहला सेलर था हमारा जैसे ये भी था, इसको भी मैंने रखा, ठीक है। अब इसको क्या ओपन किया मैंने, ओपन करने के बाद ये क्या मेरे पास सैलरी शो हो गया। ये देखिए ये सैलरी है, इसके अकाउंट का नेम है, उसके बाद ये क्या है इसका फीडबैक, ठीक है। और नीचे क्या होती है इसकी पॉजिटिव फीडबैक रेटिंग कि कितने परसेंट लोग इससे सेटिस्फाइड है, मतलब इससे 97 पॉइंट क्या कस्टमर सेटिस्फाइड। ओके, इसके बाद इसकी जो वाली प्रोडक्ट जो शो हुई है वो क्या कितनी बार, 10 बार हो रही है। पहले मैं करता हूँ इसको ओपन, फिर देखता हूँ कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट आया कि हमें प्रॉफिटेबल ये मिलती है या नहीं, क्योंकि इसने जो बेची, इसने बेची है कितने के, 16.19 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे आके यहाँ गूगल पे आके इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे। अब इससे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि आप कौन से सप्लायर से लेना चाह रहे हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स ऑनलाइन, जैसे ईबे के लिए अमेजोन बेस्ट सप्लायर है, वॉलमार्ट बेस्ट सप्लायर है, होम डिपोट बेस्ट सप्लायर है, और क्या सैम्स क्लब बेस्ट सप्लायर है, किसके लिए, ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो इनमें से आप लोगों ने डिसाइड करना है आपके पास इनमें से किस मार्केट का अकाउंट है। या आपके पास चारों है तो आप क्या चारों के क्या देख लेंगे, चारों में से किसी के पास आपको अगर सस्ती मिलती है तो आप क्या उससे उठा लेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपके पास नहीं भाई, जस्ट क्या आपके पास वॉलमार्ट का ही है, ठीक है, आप लोग वॉलमार्ट से क्या करने हैं, आप लोगों ने परचेज करनी है, तो आप क्या करेंगे वॉलमार्ट को सिलेक्ट करें। जैसे ये है तो मैं कहता हूँ जैसे वॉलमार्ट से करनी है, तो वॉलमार्ट पे आके यहाँ इस पे मैंने क्लिक किया, ये क्या प्रोडक्ट मुझे मिल गई। ये कितने की बेच रहा था मेरा कंपेटिटर, 16 की, और मुझे कितने की मिली, 4 की। उसके बाद देख लेना है कि सेम है, मतलब कि 12 और ये क्या 12, अब सेम प्रोडक्ट है। क्या करूँगा मैं इसको, क्या करूँगा अपने इस प्रोडक्ट को रख लूंगा अपने पास। जैसे इसका मैंने लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद शीट में आके मैंने क्या अदर शीट ओपन की, जहां से आके मैंने इसको रीनेम किया क्या, ईबे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आके मैंने ईबे और यहाँ पे आके अपने सप्लायर का लिंक ऐड कर, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों को नेक्स्ट में ये बताऊंगा कि हम लोग इसको लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये क्या ओके, और इसके क्या सप्लाई प्राइस क्या है इसकी ये, और उसके बाद क्या इसकी सब प्राइस कितनी थी। और आप लोगों ने शीट बनानी है अपने मुताबिक के आप लोग सारा ओके, ये तो मिलेगा मुझे। मैं कहता हूँ अब मैंने के और सी प्रोडक्ट देखिए, ये अच्छी बिकने वाली प्रोडक्ट थी ना, सबसे ये 10 क्वांटिटी इसने बेच चुका है। सबसे पहले ये होता था कि आप जैसे इस पे 10 सॉल्ट पे क्लिक करते थे ना, आपका एक पेज ओपन हो जाता था यहाँ पे कि भाई इसको किस किस डेट पे किस किस बंदे ने और कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज किया। कुछ ऐसा पहले इवन ने अपने न्यू अपडेट में ये वाला क्या ऑप्शन खत्म कर दिया। पहले वो तो आसान होता था कि हमें पता चल जाता था कि ये उसने 10 प्रोडक्ट जो इसने सेल किए हैं, इसने किस किस डेट को सेल किए हैं और कौन कौन से बंदे ने इसे सेल परचेज किया और कौन सी प्राइस पे इसने सेल किया। अब जस्ट क्या ये शो करूंगा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट तो मिल गई, मैं कहता हूँ मैं और कैसे, मैं क्या करूंगा इसी सेलर की, इसी कंपेटिटर के जो क्या सी अदर्स आइटम पे क्लिक करूँ। अब देखो अब इसकी सारी प्रोडक्टें क्या शो हो गई हैं, वही जैसे क्या स्टोर में पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम दोबारा फिर पहले की तरह आएंगे, यहाँ पे आकर जस्ट आके करेंगे हम लोग सोल्ड का फिल्टर लगा देंगे, फिर इस सैलरी के मुझे वही प्रोडक्टें शो हों जो क्या रिसेंटली सेल हुई है। जैसे 31 को इसकी बिकी है तो मैं कहता हूँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखो 31 की बिकी है, 31 सारी बिकी है, मैं इसको कहता हूँ मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे ओपन में देखें ये 39 टाइम क्या सोल्ड हो चुकी है इसकी क्या प्रोडक्ट। ओके, मैं फिर दोबारा फिर इसको करता हूँ, उसके बाद मैंने फिर इसको गूगल पर सर्च करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आया कि ये वॉलमार्ट पे पड़ी है या नहीं पड़ी, वहां फिर मैंने किया
वॉलमार्ट पे आया, वॉलमार्ट पे आके देखा कि कितने की मिल रही है ये, 9.12 की, और ये कितने की बेच रहा है, 24.29। ओके यहाँ पे आए, फिर लेकिन हमने इससे पहले फिर चेक करना है कि आया कि ये सेम प्रोडक्ट है या नहीं। देखें ये 2-in-1 है, ये 2-in-1 है, उसके बाद ये देखें ये 8 oz है, ये क्या है, 8 oz है, मतलब कि ये सेम प्रोडक्ट है, हमारे वही सप्लायर से मिल रही है जिससे हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं। अगर हम 9.12 के लिए इसमें 8% इसका टैक्स लगा दें, इसके फीस लगा दें, क्या हम प्रॉफिटेबल है, काम करते हैं, फिर इस प्रोडक्ट को कॉपी किया। ओके यहाँ पे इसकी प्राइस थी, उसको मैंने क्या कर दिया, शीट में ऐड किया। उसके बाद यहाँ यहाँ पे आने के बाद उसका सप्लाई का लिंक रखा, उसके बाद उसकी प्राइस रखी, इस तरह क्या प्रोडक्ट मिल गया। इस तरह हमने क्या करना है, इसके इस सप्लायर के सारे प्रोडक्ट चेक कर लेने, जो भी हमें प्रॉफिटेबल जो अच्छी लगी हम लोग क्या इसे उठा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फिर क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा फिर अपनी शीट में आएंगे, शीट में आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट सैलरी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो हम लोग पूरी शीट एक निकाली होती है सैलरीज की, सैलरी ये देखिए यहाँ लिस्टिंग एंड, आपने इससे कोई घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट ये होता है कि हो सकता है कि भाई इसके बाद दो ही क्वांटिटी पड़ी, दो सोल्ड हुई है जो बिक गई है, इसके बाद न्यू क्वांटिटी नहीं पड़ी, या अभी इसकी क्या दो क्वांटिटी बिक गई है लेकिन इसने क्या अपनी जो क्वांटिटी है उसको अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, इस वजह से यह क्या एंडिंग नजर आ रही है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे आके सेलर अदर आइटम, इस सेलर की हम अदर आइटम को ओपन कर लेते हैं जैसे ये। ओके उसके बाद फिर पहले की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सोल्ड आइटम का फिल्टर लगाएंगे। सोल्ड आइटम में जैसे फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास शो हुई, मैंने इसको 31 को बिकी, 31 को बिकी, मैंने क्या इसको ओपन कर लिया। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये क्या एंडिंग, हमें इससे कोई प्रॉब्लम, हम लोगों ने देखना था कि हम जिस सप्लायर से लेना चाह रहे हैं उसके पास प्रोडक्ट पड़ी है या नहीं पड़ी। हम कहेंगे इसको जेड किया, फिर क्या किया गूगल पर सर्च किया, जैसे किया हमारे वॉलमार्ट था, वॉलमार्ट पे हम लोगों ने ओपन कर, जैसे ओपन किया देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास आके सबसे पहले देखना है कि भाई आया कि ये सेम आइटम निकली है। ओके ये क्या आता, 17.5 oz, 17.5 oz। ओके उसके बाद डव डव, ओके मॉइस्चराइज बूस्ट, ठीक है मॉइस्चर बूस्ट सेम है। ओके उसके बाद हमने देखना है कि ये सेम ही पैकिंग बेच रहा था, मतलब कि सॉरी बाजू का तो होता है ना कि भाई 1 पैक 2 पैक 3 पैक सिंगल पैक बेच रहा था, ये भी क्या सिंगल पैक है, और ये कितने की बेच रहा था, इसने कितने की बेची है, 11.49, ये कितने क्या 7.49। हम देखें हमें एक और क्या प्रोडक्ट मिल गया, हम क्या करेंगे इसका लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करने के बाद दोबारा फिर हमारे शीट में आएंगे, यहाँ पे आके फिर कर देंगे उस तरह, क्या कर देंगे ये देखें इस तरह। ओके क्या इसकी प्राइस, उसके साथ हमने उसके बाद हमने अपने हिसाब से रखना होता है ना, हमें कोशिश करनी होती है कि कम रखें। ये देखिए हमारे पास कितनी तीन तीन प्रोडक्ट, उस तरह उसी उसके बाद आप लोग क्या इस सैलरी की और प्रोडक्ट को क्या देखते जाएंगे कि ये जो उनसी अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको उठा लेंगे। जैसे ये खत्म होगी आप लोगों ने ज्यादातर ज्यादा दूर नहीं जाना, आप लोगों ने वही प्रोडक्ट देखने हैं जो तकरीबन इसने 27 तक इसने सेल की हुई, मतलब 27 के बाद तकरीबन 4 दिन के लास्ट जो उसके प्रोडक्ट हैं मतलब कि सेल हुई है, आपने जस्ट उनको देखना है, आपने देर तक नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे ये खत्म होगी इसके प्रोडक्ट हैं आपने इसको क्या कर दिया क्लोज कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर आएंगे आप हमारे सैलरी शीट में, सैलरी शीट के बाद आप क्या करेंगे न्यू सैलर को ओपन कर लेंगे। न्यू सैलर ओपन करने के बाद आप दोबारा फिर इसकी क्या सी अदर्स आइटम पे, इसमें देखें एक बार जो प्रोडक्ट को सेल किया, ये लाजमी नहीं कि भाई इसकी ये सिर्फ एक बिकी, आप क्या करेंगे इसकी अदर आइटम पे चले जाएंगे, अदर आइटम पे जाके दोबारा फिर क्या करेंगे यहाँ सोल्ड का फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को जैसे इसकी ये 1 अप्रैल को बिकी है, इसको फिर ओपन करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से आके करने के बाद हमारा क्या था वॉलमार्ट, वॉलमार्ट पर पड़ी है जी नहीं पड़ी ये प्रोडक्ट, नहीं पड़ी तो इसका क्या आप अमेजोन पे देख लेंगे, अमेजोन पे आपको सस्ती मिलती है, आप वहां पर चेक करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह अपने सारे ही प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, और बेस्ट वे से और इजी वे है ये। इसके अलावा कोई तरीका ऐसा नहीं, कोई टूल्स नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई टूल्स बता दें हमें सर, हमें ये बता दें किस तरह फाइंड करना, भाई कोई टूल्स नहीं करना, आप लोगों ने मैनुअली आना, और इस तरह अगर आप पर फाइंड करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेंडिंग और अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ओके 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 अल्लाह हाफिज़।